सुपर मूवी मजा आ गया, एक्सीलेंट मूवी, एक नंबर मूवी थी। स्टोरी सबसे अच्छी थी, मेरे को सबसे अच्छी स्टोरी लगी, जिस जिन्होंने राइट किया उनको सैल्यूट है। शाहरुख एक नंबर डबल रोल में थे और बहुत ही प्यारा लगा उनको। कोई लफ्ज नहीं है मेरे पास उनके बारे में बोलने के लिए कि उन्होंने एक्टिंग तो एकदम ज़बरदस्त, वो कुछ नहीं कुछ बोलने लायक नहीं, आप जाके देखो खुद पता चल जाएगा शाहरुख खान क्या एक्टिंग किया। सुपर ब्लॉकबस्टर, एक नंबर पिक्चर लगी बोले हमको जवान, सुपर हिट है, सुपर हिट, सुपर हिट है। बंदा जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, जवान एक ही है शाहरुख खान और कोई भी नहीं है। बॉलीवुड का डायरेक्टर ने आज तक शाहरुख खान का ऐसा प्रेजेंट नहीं किया जो एटली ना करके दिखाया है। पूरी देश के ऊपर मूवी है ये, पूरी देश के ऊपर। अरे सुपर बाल पक गए, जाके एक बार थिएटर में जाओ जवान देखो, माइक मेक माय वर्ड, उन लोग जवान बनके बाहर निकलेंगे। हर एक सीन दस स्टार, हर एक सीन दस स्टार और पूरा सीन गूज़बम्प है। एक नंबर मूवी, एक नंबर मूवी है। आपको क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि ये फिल्म जो है ये ऑडियंस के लिए भी है और साथ में जितने भी मिनिस्टर्स है ये उनको भी ये फिल्म देखना चाहिए। इसमें से शाहरुख भाई ने सबको मैसेज दिया है कि कैसा काम करें लोगों के लिए और अपनी जनता के लिए और इस देश के लिए। मेरे हिसाब से ये फिल्म है ना बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए हमारे। लव यू शाहरुख भाई, बहुत हार्ड यार, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, एक नंबर। ये मूवी जो है वो एक यूथ जनरेशन के लिए है कि जब भी आप वोटिंग करें तो एक पढ़े लिखे अच्छे नेता को वोटिंग करें जो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एवरीथिंग के ऊपर है ना, वो ध्यान दे। शाहरुख खान ने मैसेज दिया है इस मूवी के अंदर कि जो करे, शाहरुख खान इज़ रॉक एंड मूवी इज़ टोटली ब्लॉकबस्टर। या बहुत अच्छी मूवी है, एकदम सुपर हिट है, फैमिली लाइक है पिक्चर। एसआरके के लुक्स कैसे थे? बहुत बढ़िया। और स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज कैसे थी मूवी, अगर आप बता दो? बहुत अच्छा है मूवी। आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 10 में से 100 देना चाहता हूँ। जवान आउट हो चुकी, कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी और ये मैं दोबारा भी देखने जाऊंगा। शाहरुख खान भाई उनका दिल जीत लिया यार, हमेशा जैसे दिल जीते आए आज भी दिल जीत लिया और आगे भी जीतते रहेंगे। ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं एसआरके के बारे में भाई, बहुत बड़े फैन हैं हम लोग उसके और बस बहुत सारा प्यार देंगे उनको। अरे कल हम लोग भी नहीं सोए, हम नहीं सोए, रात में इतनी एक्साइटमेंट थी भाई, नींद ही नहीं आ रही थी, चार चार दिन सोने गई है। ओके, और कुछ स्टार्स की बात करें, आप लोग कितने स्टार देना चाहेंगे? पूरा यूनिवर्स एसआरके इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो उनको स्टार देने की जरूरत नहीं। क्या बोलते हैं भाई? साथ में बोलेंगे बेटे को हम तो जवान में ही खो गए पूरा। हम लोग जवान का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि जवान की जो डेट थी 2 जून थी, बट बेसिकली उस टाइम पे वो रिलीज़ नहीं हो पाई, पोस्टपोन हो गई, तो हम लोग वेट करते 7 सितंबर का। आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे भी है बट मैं उसका बर्थडे छोड़ के मैं शाहरुख खान के पास आया मूवी देखने। मैंने फर्स्ट शो देखा सुबह 6 बजे, देन मुझे पता चला गया बैंड्रा का जीटी का एक्समेट फोर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखी क्रेज़ में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, फिर ये इंटरव्यू वगैरह हुए तो बहुत अच्छा लगा। टू बी वेरियस, में रात में ऐसी खाना खाने के बाद में ऐसे हम लोग वॉकिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा सुबह मूवी देखने जाना है तो कुछ अलग करके जाते हैं, इस बार हमेशा नॉर्मल चले जाते हैं। तो हमने ऐसी जवान का ट्रेलर देखा दोबारा, तो उसमें ये लुक था उसका,
तो वो ज़्यादा दिमाग में हमारा आया, तो हमने फिर हम लोग बैंडेड खरीद के लेके आए, बैंडेड लगाया, मम्मी को समझाया कि इस तरीके से बांधा, उसके स्क्रीनशॉट लिया, मम्मी ने 3 बार 4 5 बार जाके ये बनाया, तो जब जाके ये अच्छा बना। ये हम लोग बहुत पहले से ही वेट कर रहे थे, हम लोग जवान देखे गए, और स्पेशली आज हम लोग जॉब करते हैं, स्पेशली जो छुट्टी ली आज हम लोग ने जवान के लिए ली थी। और हम लोग ने रात में ऐसे ही वॉक कर रहे थे, माइंड में ऐसे ही थोड़ा क्लिक हुआ, हम लोग नॉर्मली मूवीज़ देखने चले जाते हैं तो थोड़ा कुछ अलग करें, और ये लुक हमने देखा SRK का तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने थोड़ा सा जैसा हमसे हुआ जितना परफेक्ट हम लोग ने ये लुक क्रिएट करने की कोशिश की, और इसमें बहुत मेहनत लगी हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा हमें खुद को ही, मतलब हमने कुछ मूवी देखने के हिसाब से हम लोग ने कुछ खुद का लुक क्रिएट करके और खुद गए, और बहुत अच्छा लगा। और जवान मूवी तो ऐसी है कितना भी देखता रहेगा ना इंसान तो देखता ही रह जाएगा। एक्चुअली उसमें ऑल ओवर जो उन्होंने जो काम किया है ना सब ने, बहुत अलग ही और यूनिक सब डिफरेंस किया, जो अभी तक मूवीज़ में हम लोग ने जब से देख रहे नहीं हम लोगों को ऐसा देखने को मिला। उसमें जो एंड का जो रोल शाहरुख खान ने जो बाप का रोल जो निभाया है वो तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग स्पेशली गए तो शाहरुख खान के लिए थे मूवी देखने, बट उसमें नयनतारा का जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें नयनतारा है, सुनील ग्रोवर है, विजय सेतुपति, सबके जो कैरेक्टर दिखाए बहुत अच्छे हैं। फिर अपना अनिरुद्ध का जो म्यूज़िक है वो बहुत खूबसूरत है, मतलब जहाँ जहाँ पे BGM आ रहा है ये करो गूज़बम्प्स आ रहे हमको, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे गंदी बात क्या है, हमारी जो ये पूरा गेटअप है ना इसमें हम लोग चिल्ला नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है ना वो नहीं हो पा रही, खुल नहीं पा रहा हम, ये तो कोशिश करेंगे और चिल्लाने की। बहुत अच्छी मूवी, जितना हो सके सब लोग देखें मूवी। आपने एक बार मॉर्निंग में जवान देख चुके हैं, अब आप दोबारा जाना चाहोगे, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे मूवी कहाँ तक स्टैंड करेगी, क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मुझे तो, मेरा तो है क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ दें, कम से कम 2000 करोड़ ऑल ओवर वर्ल्ड कमाए हुए, और आज 150 करोड़ तो जाएंगे आज पहले दिन। पठान ने बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, बहुत अच्छा बिजनेस किया था, और जवान का कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, ये पठान को भी क्रॉस कर सकती है, बहुत अप कर सकती है पठान को भी, तो इसका हम लोग क्या बोले। पठान जब आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेकंड शो चालू हो गया, तो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे जवान का, और अभी लोग देखने के लिए आ रहे, और पहले से लोगों को पहले से हिट हो गई थी उसके गाने और हर एक चीज़ ना, उसका शाहरुख खान का लुक और जो भी, मतलब उसमें डांस वगैरह जो भी किया है ना बहुत अच्छा लगा सबको पहले से ही। और आज हम लोग ने भी सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, बहुत अच्छा लगा, और अभी तक मूवी दिमाग में ही चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे सीन है उसमें, सब लोग देखें और हम लोग वापस देखने हैं। ओके, लास्ट शाहरुख खान सर के लिए क्या कहे, हम लोग तो पहले से ही उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वे जो काम करते हैं ना बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, जो लोगों को एकदम मतलब इमोशन भी कर सकता है और बहुत किसी को खुशी भी दे सकता है उसमें मूवी में। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग देख के अपनी चीज़ें भी याद कर सकते हैं जिन लोगों के साथ वैसा होया हुआ है, और कुछ लोग बहुत खुश भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा आगे जाके और हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा शाहरुख खान का मूवीज़। आपको कोई मैसेज देना है शाहरुख को? शाहरुख खान किंग था, किंग है, किंग रहेगा। थैंक यू सो मच।